हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गौरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटाकेदार समोसे की रेसिपी। समोसे के नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। बाजार में समोसे मिलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह के समोसे हम घर में बनाकर तैयार करेंगे और उसके ऊपर बबल्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे और बहुत ही ज्यादा खस्ता और अंदर से मसालेदार आलू। इसको बनाने के लिए मैं कुछ ट्रिक्स शेयर करते रहूंगी। तो आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। खस्ता समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। अब एक बड़ा सा प्लेट में 2 कप मैदा डाल देंगे, ये 300 ग्राम है। आधा छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे, इसको क्रश करके डाल देंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1/4 कप हम घी डालेंगे। आप चम्मच से नापेंगे तो 4 से 5 बड़ा चम्मच घी है। आप घी की जगह पे वनस्पति घी भी ले सकते हैं, चाहे आप रिफाइन तेल भी डाल सकते हैं। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आटा को मिक्स करते हुए 3 मिनट हो गया है। अब ये मैन बराबर है कि नहीं कैसे पता करें? आटे को मुट्ठी में लेके और दबा लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा आटा में घी बराबर है। 2 कप मैदा के लिए हमें 1/4 कप घी डालना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदेंगे। हमें ध्यान रखना है कि रोटी के जैसा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। हमें समोसे के लिए हल्का सा कड़क आटा लगाना है, तभी हमारे समोसे खस्ता बनेंगे और उसमें बाहर से बबल्स नहीं आएंगे। तो हमें हल्का सा आटा कड़क चाहिए। अब इसको हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसलना है। इतना आटा गूंदने में हमें 1/2 कप पानी लगा है, 125 ml। देखिए आटा गूंद के हो गया है, इतना कड़क होना चाहिए, आप देख सकते हैं। गूंदने के बाद अब आटा को अच्छे से ढक के रख देंगे 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। स्टफिंग बनाने के लिए हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे, गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब 1/2 छोटा चम्मच राई डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ डाल देंगे, क्रश किया हुआ 1 छोटा चम्मच अखा धनिया डाल देंगे। 2-2 पार्ट कर लेंगे। देखिए राई, जीरा, सौंफ सब चटकने लगा है। अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। बारीक कटा हुआ 4 हरी मिर्च डाल देंगे, बारीक कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच अदरक डाल देंगे, बारीक कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच लहसुन डाल देंगे। हल्का ब्राउन होने तक भूजेंगे। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं अदरक लहसुन हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसी स्टेज पर 1/4 छोटा चम्मच हम हींग डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे 1/2 कप ताज़ा मटर, 1 ग्राम में 125 ग्राम है। आपके पास ताज़ा मटर नहीं है तो आप उबला हुआ मटर से भी बना सकते हैं, चाहे फ्रोजन मटर से भी बना सकते हैं। अब इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे। ये ताज़ा मटर है, इसके लिए हमें 2 मिनट तक पकाना है। देखिए 2 मिनट हो गया है, हमारा मटर अच्छे से पक गया है। अब हम डालेंगे 5 मीडियम साइज के उबला हुआ आलू। अब इसको हम हाथ से क्रश करके डाल देंगे, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। हमें समोसे के लिए आलू को कद्दूकस नहीं करना है, ऐसे तोड़ के ही डालना है। अब हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद हम इसमें एक छोटा चम्मच हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ पुदीना डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम कर लेंगे और 8 से 10 मिनट तक हम इसको भूजेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे से चिपके नहीं। देखिए 10 मिनट हो गया है, मसाला हमारा अच्छे से भूज के हो गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। अब गैस को बंद कर देंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। आटा को रखे हुए 20 मिनट हो गया है, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको मसल के एक बार चिकना कर लेंगे। चिकना करके हो गया है, अब हम इसमें 12 सा रोल बना लेंगे जैसे लंबा। रोल बनाने के बाद इसमें हम छोटा छोटा लोई तोड़ लेंगे, आप अपने अनुसार छोटा बड़ा तोड़ सकते हैं। इसी तरह हम सारे लोई को तोड़ लेंगे और गीला कपड़ा से ढक के इसको साइड में रख देंगे और एक लोई निकाल के उसको मसलते हुए चिकना कर लेंगे और गोल शेप दे देंगे, आप देख सकते हैं। और इसको बेलने के लिए चॉपिंग बोर्ड या चकला पे रख के हम बेलेंगे। हमें पूरी को लंबा बेलना है ओवल शेप में और चारों तरफ से हमें बराबर बेलना है, कहीं पतला कहीं मोटा नहीं रखना है। हमें पूरी को ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। आप देख सकते हैं इसका थिकनेस इतने ही मोटा रखना है, मीडियम साइज का। अब इसको हम बीच से कट कर लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह हम सारे पूरी को बना के तैयार कर लेंगे। हम फिर से एक लोई लेंगे, उसको मसलते हुए चिकना कर लेंगे, फिर हम बेलेंगे। हमें सेम प्रोसेस से बेलना है। फ्रेंड्स, आपने बहुत समोसा बनाए होंगे और खाए होंगे, लेकिन मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर देखना, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनके तैयार होता है। हमें इसको लंबा बेल लेना है ओवल शेप में और आप देख सकते हैं इसका थिकनेस इतना ही रखना है। अब बीच से हम कट कर लेंगे। अब हम इसको प्लेट में रख देंगे। इसी तरह हम बेल के काट के रख लेंगे, फिर हम समोसा बनाएंगे। समोसा बनाने के लिए एक पूरी लेंगे और ये सीधा लाइन है ना, उसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। हमें पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। अब एक परत पर दूसरे परत को उस पर रखेंगे, थोड़ा सा छोड़ के रखेंगे 1 इंच, और इसको दबाते हुए आप देख सकते हैं मैं कितना रखी हूँ। अब इसको दबाते हुए अच्छे से सील कर लेंगे, अच्छी तरह से दबा लेंगे ताकि हमारा समोसा फ्राई करते वक्त खुले नहीं। ये देखिए मैं अच्छी तरह से चिपका कर इसको मैं कोन बना ली हूँ। हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच डाल देंगे। मसाले को हल्के हाथ से दबा लेंगे और इसको पूरा हमें भरना नहीं है, हमें थोड़ा छोड़ देना है ऊपर के साइड। अब हम समोसे के ऊपर के साइड चारों तरफ पानी लगा लेंगे हल्का सा। आगे के हिस्से को पीछे के हिस्से से दबाते हुए चिपका लेंगे और दबाते हुए हल्का सा पतला भी कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से चिपक भी गया और पतला भी हो गया, और ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। अब इसको हम प्लेट में रख देंगे। एक में और बना के दिखाती हूँ। अब एक पूरी ले लेंगे और सीधा साइड है ना, उसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगा लेंगे और एक साइड से पकड़ के दूसरे साइड के ऊपर हम चिपका देंगे, अच्छे से सील कर देंगे फिंगर के हेल्प से। फ्रेंड्स, रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कितना आसानी से कोन के शेप तैयार हो गया। अब इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे, 1 से 2 चम्मच डाल देंगे। हमें पूरा नहीं भरना है, ऊपर के साइड थोड़ा हमें छोड़ना है। अब उसको चारों तरफ हल्का सा हम पानी लगा देंगे और ऊपर के साइड पकड़ के हम नीचे के साइड अच्छे से सील कर देंगे, और सील करते वक्त हल्का सा दबाते हुए पतला भी कर देंगे। इसी तरह हम सारे समोसे बना के तैयार कर लेंगे।
आप देख सकते हैं कि सारे समोसे बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए खुले में छोड़ देंगे ताकि इसकी नमी कुछ हो जाएगी, तब हम तलेंगे। ऐसा करने से समोसे के ऊपर बबल्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। समोसे तलने के लिए हम गैस पे कढ़ाई रख लेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे और इसमें रिफाइंड तेल डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। समोसे तलने के लिए तेल हमेशा मीडियम गर्म होना चाहिए। देखिए मैंने थोड़ा सा डो तोड़ के डाली हूँ तो हल्का हल्का बबल्स आ रहा है, इसका मतलब हमारा तेल बहुत ही अच्छा से गर्म हो गया है। समोसे तलने के लिए हमें तेल को इसी तरह गर्म करना है हल्का, और इसमें 5 से 6 हम समोसे डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, 5 से 6 मिनट तक हमें पकाना है और बिल्कुल भी छूना नहीं है। देखिए 6 मिनट हो गया है, हल्का सा नीचे से ब्राउन हो गया है। अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन तक हम पकाएंगे। फ्रेंड्स, मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ मेरे घर में तारीफ होता है, तभी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, रेसिपी पसंद आएगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए हमारा समोसा चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है और उसके ऊपर बिल्कुल भी बबल्स नहीं आया है। एक बार समोसा तलने में हमें 10 से 12 मिनट लग जाता है। देखिए समोसा बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम लो करके और समोसे को निकाल लेंगे। कलछी को साइड में कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा, तो एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम दूसरा बैच फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और 6 से 7 समोसा डाल देंगे। डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम लो रख के 5 से 6 मिनट तक पकाना है। देखिए 6 मिनट हो गया है, नीचे से हमारे समोसे हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसको हम पलट लेंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके हम चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं समोसे के ऊपर कितना प्यारा कलर आया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे समोसे को फ्राई कर लेंगे। समोसे के नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, आपको भी आ रहा होगा, आप भी बनाइए और खाइए। खस्ता समोसे बनके तैयार हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग बना है। इसके साथ हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं। मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कितना क्रिस्पी है। तो आज की रेसिपी पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।